नमस्कार बच्चों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं न्यू पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें सीबीएसई ने घोषणा की थी कि साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, बोर्ड परीक्षाएं होंगी, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। तो सिलेबस सीबीएसई ने जारी कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस क्लास 10th का क्या सिलेबस होगा, टर्म फर्स्ट के लिए, टर्म सेकंड के लिए कितने मार्क्स का क्या वेटेज रखा है। तो यहाँ पर देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th, इवेल्यूशन स्कीम थ्योरी फॉर साइंस, टर्म फर्स्ट के लिए 3 यूनिट बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट यूनिट में केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 16 मार्क्स के लिए। सेकंड यूनिट में वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6, 10 मार्क्स के लिए। थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमिना चैप्टर 10 एंड 11, 14 मार्क्स के लिए। इस तरीके से केमिस्ट्री पार्ट है वो 16, बायोलॉजी 10 मार्क्स के लिए, और फिजिक्स पोर्शन है वो 14 मार्क्स के लिए, और टोटल हो जाता है 40 टर्म फर्स्ट में। टर्म सेकंड का देखिए, यूनिट फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ यहाँ बांटे गए हैं। फर्स्ट यूनिट में केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 4 एंड फिफ्थ, 10 मार्क्स के लिए। सेकेंड यूनिट में वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 एंड 9, 13 मार्क्स के लिए। फोर्थ यूनिट में इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 12 एंड 13, 12 मार्क्स के लिए। और फिफ्थ यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15, 5 मार्क्स के लिए। टोटल टर्म फर्स्ट और सेकेंड का जो थ्योरी वेटेज है वो 80 मार्क्स के लिए, और पहले जो इंटरनल असेसमेंट है ईयर एंड पर 20 मार्क्स का होता था, अभी उसको बांट दिया है। टर्म फर्स्ट के लिए इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, और टर्म सेकंड के लिए इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, और इस तरीके से टोटल साइंस में हो जाते हैं 100 मार्क्स। डिटेल में देखिए कौन कौन से चैप्टर क्या क्या आएगा टर्म फर्स्ट में। टर्म फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद में सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये केमिस्ट्री पार्ट है। इसके बाद में सेकंड यूनिट में वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब बायोलॉजी पोर्शन है, वो 6th चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। और इसके बाद में थर्ड यूनिट में नेचुरल फिनोमिना फिजिक्स पार्ट है, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये टर्म फर्स्ट में आएंगे। और टर्म सेकंड में सिलेबस देखिए, टर्म सेकंड में यूनिट फर्स्ट में आएंगे केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर केमिस्ट्री पोर्शन, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद में बायोलॉजी पोर्शन सेकेंड यूनिट में वर्ल्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और चैप्टर 9 हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके साथ में ही नेक्स्ट जो फिजिक्स पोर्शन है, नेचुरल फिनोमिना यूनिट 4th, इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और फिफ्थ यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेज में 15 चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। तो बच्चों, इस तरीके से आपको करंट सिलेबस है वो लेटेस्ट सिलेबस मैंने आपको बता दिया। बाकी सिलेबस आपके इसमें वीडियो में नहीं दिया है, इसका मतलब है वो आपकी एग्जाम में नहीं आएगा। सीबीएसई ने कुछ इंटरनल असेसमेंट के लिए चैप्टर्स रखे हैं, जिसमें चैप्टर 16 है वो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो इंटरनल असेसमेंट में आएगा, इसलिए चैप्टर 16 है, वो भी पढ़ना जरूरी है। और लास्ट में हम करेंगे चर्चा जो प्रैक्टिकल्स होंगे साइंस में, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में टर्म फर्स्ट के लिए कौन से हैं। ए फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। बी में स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, HCl एंड NaOH ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद
लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू रेड, बी जिंक मेटल, सी सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। और इस तरीके से सेकंड पार्ट है इसका प्रैक्टिकल्स में, परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, आयरन नेल्स कैप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस। थर्ड एक्सपेरिमेंट है ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशन, ZnSO4, FeSO4, CuSO4, Al2SO4। बी पार्ट में अरेंजिंग जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन अबव रिजल्ट्स। फोर्थ एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। फिफ्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस बाई ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सिक्स एक्सपेरिमेंट है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ फोर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। सेवंथ एक्सपेरिमेंट है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, और टर्म सेकेंड के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरीके से है। फर्स्ट स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइनिंग इट्स रेजिस्टेंस, ऑल्सो प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। सेकेंड स्टडिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड, तो ये बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट होगा और ये पहला वाला है वो फिजिक्स का होगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे स्टडी मटेरियल है वो साइंस से संबंधित मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पर जाइए और अपनी प्रिपरेशन करिए और तैयार करिए न्यू पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।